तो आज हम अपना जो हमारा चैप्टर चल रहा है सिक्स क्लास के लिए प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और आज हम इसमें देखते हैं, देखिए प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इनके कुछ टाइप्स जो थे वो हमने प्लांट्स के टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन देयर लाइफ स्पैन, यानी कि इनकी लाइफ ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग प्लांट्स के जो होते हैं उन्हें किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, किस तरीके से उन्हें वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले क्या है, एनुअल प्लांट्स, इट मीन्स वार्षिक जो हमारे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, द प्लांट दैट सर्वाइव ओनली वन सीजन, यानी कि जिस टाइप्स के प्लांट जो होते हैं वो एक सीजन को ही सर्वाइव करते हैं, यानी कुछ मौसमों के लिए ही, कुछ सीजन के लिए ही वह होते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो इस टाइप के प्लांट्स को क्या बोलते हैं, इस टाइप्स के प्लांट को बोला जाता है एनुअल प्लांट, यानी हर साल इन पौधों को दोबारा से ग्रो किया जाता है। जैसे आपका मस्टर्ड प्लांट है या वीट प्लांट है, इट मींस जो आपको गेहूं का पौधा होता है, अगर हमें ये ऐसे नहीं होते कि हमने एक बार इनकी फसल लगा दी, देख रहे हैं आप, जैसे कि एक बार अगर हमने इनकी फसल लगा दी तो ऐसा नहीं है कि इन्हें ये हमेशा आगे की, जैसे और जो ट्रीज होते हैं, जैसे मैंगो ट्रीज होते हैं, ये हमें साल दर साल हर अपने सीजन पर फ्रूट्स देते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। ये एक ही बार फ्रूट देगा, यानी एक ही बार इसके ऊपर फसल आएगी और उसके बाद में ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसकी लाइफ पूरी हो जाती है, नेक्स्ट सीजन के लिए इसे दोबारा से ग्रो करना पड़ता है। तो ये अब इनकी लाइफ ज़्यादा बड़ी नहीं होती, कुछ सीजन की होती है, यानी एक सीजन की होती है। इनका भी सीजन जो लाइफ टाइम होता है वो लगभग 3-4 महीने का ही होता है, इससे ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्लांट्स के अंदर क्या होता है, बायनुअल प्लांट्स। बायनुअल प्लांट्स के अंदर क्या है, ई कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ईयर। ये इस टाइप के जो प्लांट होते हैं, देखिए फर्स्ट टाइप के जो प्लांट्स थे एनुअली प्लांट में, उनका मैंने आपको बताया था कुछ महीने से लेकर हार्डली मान लो 1 साल तक की उनकी लाइफ होगी। बायोनियल प्लांट के अंदर क्या होगा, इनकी लाइफ जो होगी ये 1 से ज़्यादा साल होगी, यानी 1 या 2 साल के आसपास ही ये अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, इतनी ही इन पौधों की लाइफ होती है। फर्स्ट जो ईयर के अंदर क्या होता है, ये इनकी भी जो लाइफ होती है 2 सालों के अंदर क्या होता है, पहली लाइफ के अंदर ये अपनी लाइफ का एक पार्ट को सर्वाइव करते हैं और सेकेंड ईयर में आने पर ये मेच्योर हो जाते हैं और फ्रूट और फ्लावर्स वगैरह जो हैं वो देने लगते हैं। तो इनका फर्स्ट ईयर का पार्ट जो होता है वो इनका ग्रो अप के अंदर ही चला जाता है, यानी ये अपने वेजिटेटिव जो इनका पार्ट्स होता है उसे ग्रो करते हैं, और सेकेंड ईयर में क्या होता है, ये फ्रूट्स और फ्लावर ग्रो करके ये देते हैं। तो ये जो हमारा सेकंड टाइप का प्लांट था, बायनियल प्लांट्स। अब ये कौन कौन से पौधे होते हैं, जैसे आपका रोज़ प्लांट हुआ, रोज़ का प्लांट है, लेमन का प्लांट है, तो ये आपके कौन से आते हैं, बायनियल ईयर्स के अंदर आते हैं। अब थर्ड टाइप्स ऑफ प्लांट के अंदर क्या होता है, थर्ड टाइप ऑफ प्लांट के अंदर आप कहें पेरेन्युअल्स प्लांट्स। पेरेन्युअल्स प्लांट्स के अंदर क्या हो जाएगा, ये इनका जो लाइफ होता है, देखिए फर्स्ट टाइप के में हमने बता दिया था उनका लगभग 6 महीने से 1 साल का लाइफ होती है। सेकंड टाइप के में अंदर क्या होता है कि 1 से लेकर 2 साल तक की लाइफ होती है। अब 2 साल से ज़्यादा जिस टाइप्स के पौधे की जो लाइफ होगी वो क्या होता है, इसे हम ट्री भी बोलते हैं, जो ये ट्री कैटेगरी में भी आ जाते हैं ये प्लांट, क्योंकि जो बड़े जो हमारे पेड़ होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, कईयों की तो 100-100 सालों तक होती है। तो इस टाइप के द प्लांट दैट लीव्स मोर देन द 2 ईयर, यानी 2 सालों से ज़्यादा जिनकी लाइफ होती है, जो अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोला जाता है पेरेन्युअल प्लांट्स, या ये इनकी कैटेगरी क्या होती है, इन्हें पेड़ों की कैटेगरी में यानी ट्री कैटेगरी में भी रखा गया है। तो इनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंगो, नीम, गुआवा, एप्पल, तो इस ये सारे जो ट्री होते हैं मोस्टली फ्रूट वाले ट्री हैं, या और भी हैं, आपका पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, बैनियन ट्री हो गई, तो ये सारे कौन से होते हैं, ये आपके ट्रीज कैटेगरी में रखे जाते हैं, और इनकी जो लाइफ होती है वो 1-2 सालों से ज़्यादा होती है, कईयों की तो 10-20 और 100-100 सालों तक ये जो पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं ये अपनी लाइफ को जीते हैं और काफ़ी लंबी सालों तक इनका लाइफ साइकिल होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रूट सिस्टम, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर रूट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, रूट एंड शूट सिस्टम दोनों जो हैं इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो रूट सिस्टम में हम पढ़ते हैं, रूट सिस्टम क्या होता है, तो स्टूडेंट पेड़ों के अंदर जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मोस्टली कॉमन जो होती हैं 2 टाइप की आपकी रूट्स पाई जाती हैं। रूट मीन्स जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, एक तो होती है आपकी टैप रूट और सेकेंड होती है फाइबरिक रूट। फाइबर रूट्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं टैप रूट। तो स्टूडेंट टैप रूट के अंदर क्या होगा, टैप रूट इन सच ए सिस्टम, यानी इस तरह की जो आपकी टैप रूट जो होती हैं, मेन रूट आर द प्राइमरी रूट। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है,
एक हमारी मेन रूट होती है। जो मेन रूट होती है उसके साथ में बहुत सारी या कुछ जो होती हैं वो सपोर्टिंग रूट्स भी इसमें निकलती हैं, जो प्लांट्स को न्यूट्रिशन सॉइल में से कंज्यूम करके न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराती हैं प्लांट्स को। इट्स कॉल्ड द प्राइमरी रूट, द ग्रो वर्टिकली डाउन इनटू द सॉइल। यह वर्टिकली सॉइल के अंदर, ग्राउंड के अंदर जो होती हैं वो एंटर करती हैं। एंड द लेटरल, द स्मॉलर रूट इज कॉल्ड द लेटरल रूट एंड द ब्रांच रूट। तो स्टूडेंट, तो मेन रूट के साथ में भी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, मेन रूट के साथ में जो अटैच रहती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ब्रांच रूट बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक कॉमन सी एक डेफिनेशन है जिसके बारे में हम जान सकते हैं कि जो हमारी टैप रूट्स होती हैं वो किस टाइप की होती हैं। और ये टैप रूट जो होती हैं, ये पाई कहाँ जाती हैं, ये पाई जाती हैं हमारे प्लांट्सों के अंदर, मोस्ट ऑफ द मोस्ट जो हमारे प्लांट होते हैं, जैसे मैंगो ट्री हो गया, मैंगो प्लांट हो गया, कैरोट के अंदर भी पाई जाती है, और बीन्स वगैरह ये जो प्लांट्स होते हैं, गुआवा वगैरह, इन सब के अंदर क्या होती है, आपकी जो टैप रूट पाई जाती है। सेकंड जो रूट का टाइप है वो क्या है, आपकी फाइबर रूट्स। तो स्टूडेंट, फाइबर रूट में क्या होगा, फाइबर रूट्स के अंदर जैसा कि हम समझ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है फाइबर्स रूट, यानी जो इनकी रूट जो होती है ये कुछ बिल्कुल फाइबर स्ट्रक्चर के रूप में होती है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए, इन दिस रूट सिस्टम देयर आर द क्लस्टर ऑफ थिन फाइबर लाइक रूट ग्रो। तो इनकी जो रूट्स जो होती हैं वो फाइबर्स का एक गुच्छे के टाइप में, क्लस्टर यानी एक समूह के रूप में होती हैं, और यही जो सारी रूट्स जो होती हैं ये ग्राउंड के अंदर जाती हैं और सॉइल को ग्रिप करके रखती हैं, जिससे कि पेड़ को न्यूट्रिशन मिलता है। और इसके क्या है, फ्रॉम द ब्लो ऑफ द स्टेम, ये तने के नीचे, ब्लो द स्टेम इन सॉइल पाई जाती हैं आपकी फाइबर रूट्स। दे आर थिन, यह बहुत थिन होती हैं, पतली होती हैं, और साइज में जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। ये कौन कौन से प्लांट्स में पाई जाती हैं, आपके राइस, वीट और मेंस में ग्रो करती हैं, यानी कि आपके गेहूं के अंदर, चावल के अंदर जो होते हैं, इसी टाइप्स की रूट्स पाई जाती हैं।